हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी। वीडियो का जो टाइटल वो है, रेड सी में इंडियन नेवी ने टैंकर शिप रेस्क्यू करके पूरी दुनिया को दिखाया अपना दम। ये है भारत का यार गाइस सीरियसली पावर। इस टाइम मैं कहता हूँ अनगिनत शिपों को रेस्क्यू भारत का कर चुका है रेड सी के अंदर। जो काम और कंट्रीज को करना चाहिए था, जो खुद को सुपर पावर बोलते हैं उनको जो करना चाहिए था वो सारा काम भारत कर रहा है। और ये भारत का बड़ापन है, इससे भारत की सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया में फैल रही है। इंडियन नेवी कितनी प्रोफेशनल है, पूरी दुनिया को देख रही है। तो ये चीज जो है भारत के लिए भी अच्छा और भारत रेस्क्यू पे रेस्क्यू कर रहे हैं। पहले वीडियो देख रहे हैं, बाकी बातें आखिर पे हम करेंगे। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। So I really thank the Indian warship INS Vishakhapatnam. ब्रिटिश तेल टैंकर मार्लिन लौंडा से आई इस पहली तस्वीर के बाद ब्रिटेन ने राहत की सांस ली, क्योंकि आखिरकार भारतीय नौसेना ने ब्रिटेन के भरे हुए टैंकर जहाज और उसमें मौजूद क्रू मेंबर को बचा लिया। हूतियों के मिसाइल हमले की चपेट में आने से इस जहाज पर भयंकर आग लग गई थी और टैंकर के भरे होने के कारण उम्मीद थी कि इस आग को बुझा पाना असंभव है। जहाज पर मौजूद कैबिन क्रू भी हार मान चुका था, लेकिन भारतीय नौसेना और INS विशाखापट्टनम ने हार नहीं मानी और कर दिखाया अरब सागर में सबसे बड़ा कारनामा। भारतीय नौसेना ने टैंकर में लगी आग को भी बुझाया और पूरे क्रू को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पूरे ऑपरेशन के सफल होने के बाद मार्लिन लौंडा के कप्तान भी काफी हैरान थे। उन्होंने बताया कि वो खुद हिम्मत हार चुके थे। उन्हें लगा कि भरे हुए टैंकर पे लगी आग शांत नहीं होगी, पर भारतीय नौसेना ने इसका सामना किया और पूरे क्रू मेंबर को बचा लिया। हिंदी में भी गाइस लिखा हुआ है। Due to this missile attack, the missile was on fire. Missile attack हुआ। It was not a small fire, it was a huge fire. It's a loaded tanker and I hope you know. Very big fire. The tanker was on fire, loaded tanker. So I really thank Indian warship INS Vishakhapatnam. They have done a really tremendous job. We had actually lost the hope that we won't be able to fight this fire, but these guys were really tough. इससे पहले भारतीय नौसेना ने बताया था कि मार्लिन लौंडा में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। ये वही टैंकर है जिस पर 22 भारतीय सवार थे। INS विशाखापट्टनम की अग्निशमन टीम जिसमें विशेषज्ञ अग्निशमन उपकरणों के साथ 10 भारतीय नौसेना कर्मी शामिल थे, वो 27 जनवरी को जहाज पर चढ़े। एमबी के चालक दल के साथ आग पर 6 घंटे की मशक्कत के बाद अग्निशमन दल ने सफलतापूर्वक आग पर काबू पा लिया। साथ ही कहा कि टीम फिलहाल स्थिति पर नजर रख रही है। INS विशाखापट्टनम ने एमबी के SOS कॉल का जवाब दिया था और सहायता प्रदान करने के लिए आगे बढ़ा था। एक अमेरिकी और फ्रांसीसी रिपोर्ट ने संकट कॉल का जवाब दिया, लेकिन सबसे पहले पहुंची मौके पर भारतीय नौसेना जिसने समय रहते शिप पर लगी आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग को बुझाना इतना आसान नहीं था, लेकिन हर मुसीबत का सामना करते हुए भारतीय नौसेना ने इस आग को अपने काबू में कर लिया। भारतीय नौसेना मर्चेंट शिपिंग और नाविकों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रही। बता दें 26 जनवरी को हूती विद्रोहियों ने ब्रिटिश तेल टैंकर मार्लिन लौंडा को निशाना बनाया था। इस पर 22 भारतीय सवार थे। नौसेना ने बताया था कि उसके निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS विशाखापट्टनम को 26 जनवरी की रात तेल टैंकर से क्राइसिस कॉल के जवाब में अदन की खाड़ी में तैनात किया गया था, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर सफलतापूर्वक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। वीडियो खत्म है कि दिल्ली इंडियन नेवी कितनी बार जीतोगे। सच में सही बात है, ये बात है। और ब्रिटेन भी अभी तक होगा। अभी तक कितने, मेरे ख्याल से 10 से ज्यादा जहाज को बचा चुका है। रेड सी में ब्रिटेन ने मिशन भी लगाया हुआ है अमेरिका के साथ मिलके, लेकिन वो नहीं पहुंचा और पहले विशाखापट्टनम उनको पहुंची है खबर। वो नहीं पहुंचे पहले विशाखापट्टनम, ये बहुत बड़ी बात होती है। देखो
इस तरह के आप मिशन करते हो ना, देखो एक इंसानियत को बचाना कहते हैं, पूरी इंसानियत को बचाने का बराबर एक इंसान को 22 लोग, 22 सिर्फ इंडियन थे, 22 इंडियन, बाकी कितना क्रू होगा। उसका कैप्टन कहता है हम बहुत बहुत शुक्र गुजार है, कहते हैं हमने वो खो दी थी, हम मतलब उम्मीदें खो चुके थे, ये आग बुझने वाली नहीं थी, इतनी बड़ी वो शोले थे, और कहता है हम उम्मीद सारी खो चुके थे, लेकिन उस टाइम पर आती है इंडियन नेवी और सब कुछ कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोला है, उन्होंने कहा है कि मतलब हम इनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और इससे पता चलता है इंडियन नेवी कितनी प्रोफेशनल है, कितनी प्रोफेशनल है, किस तरीके से काबू पाया, जो क्रू मेंबर उनको ट्रेनिंग दी जाती है इस तरह का कोई वर्क हो तो किस तरह आग काबू पाया जाता है, उनसे नहीं हो रही थी, और इंडियन नेवी ने आकर जो है इंडियन नेवी ने आज उस काम को किया और बखूबी किया भाई, बखूबी। तब भी तो सऊदी अरब की जो है ना नेवी ने कहा है कि हमें इंडियन ट्रेन करें, आपको पता है नेवी ने बोला, सऊदी अरब के नेवी के को इंडियन नेवी ट्रेन करें, ये चक्कर चल रहा है, तो मुझे पता है ये भी कुछ दिन हुए हैं, ये कुछ दिन हुए ये चक्कर हुआ भाई, फिर वो देखो ये खबरें आ रही है, अगले प्रोफेशनल कितने हैं, उन्होंने जाके सारी जानों को बचाया, और ये पूरी दुनिया में हर शिप पर लगभग इंडियन होते हैं यार। मैं हमेशा मेरी पहली भी कोई जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है उसको उठाकर देखा, मैंने यही बोला था कि अगर 100 बंदे हैं ना मुख्तलिफ शिपों में तो 60-70% इंडियन है, तो ये देखो हर दुनिया 60-70% और भाई इंडियन है, क्यों ब्रिटेन जाने, ये मुश्किल काम है, मुश्किल काम है, सख्त जान होते हैं इंडियन, और भाई जैसे ही पहुंचे होंगे ब्रिटेन सेना पहुंची होगी वहां पर, देखा होगा आग बुझी हुई, उन्होंने देखो वीडियो भी में बताया सब कुछ, देखो एक बंदा होता है ना खुद कहे कि यार हाँ हमने किया सारा कुछ, उन्होंने बाकायदा वीडियो चढ़ाई है, उन्होंने कहा कि यार ये देख लो, और यार इससे पूरी दुनिया कितनी तारीफ कर रही है, खुद दुनिया जाहिर बात है रेड सी में जहाँ पर लोग कई मार्कोस कमांडर्स कई मार्कोस बचा रहे हैं, कई विशाखापट्टनम 3-4 बार बचा चुका है, बिल्कुल बिल्कुल, तो यार आप देखो भाई इसी से अंदाजा होता है भारतीय सेना बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है भाई, पूरी दुनिया में ऐसी तारीफें नहीं हो रही भाई, कुछ है तो तारीफ होती है ना, ऐसे कौन मुंह उठा के तारीफें करता है, हर जगह पे जिधर देख रहे हो कोई मसला हो रहा है इंडियन नेवी पहुंच रही है, यार इंडियन नेवी जो जो है ना अपने एरिया का मतलब जिम्मेदार है, वो रेड सी में भी जो है लोगों की मदद कर रहे हैं, जहाँ पर सबसे बड़ी बात ये को मतलब जरूरत ही नहीं है किसी का, जरूरत ही नहीं है, लेकिन वहाँ पर जाके ये सुपर पावर देश का होने का भाई बताता है कि ये देश फ्यूचर सुपर वाकई में, और ये दूसरों की मदद करने के लिए पहुंचती है और सबसे पहले पहुंचती है, और प्रोफेशनलिज्म के साथ भाई, जो आज देखो क्रू में भी उनके पास सब कुछ होता है, बड़े बड़े पाइप होते हैं, कुछ होता है, बहुत कुछ होता लेकिन है, उनके पास नहीं था, लेकिन उन्हें तरीका नहीं आता होगा, उन्होंने कभी ऐसा वो किया नहीं होगा, वहीं पे पहुंचे और फौरन बुझा दिया, फौरन बुझा कर दिए, वरना अगर इस जहाज को तेल था सारा आग लगती इसको, ये टैंकर शिप थी ना तेल था सारा, इसको बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता, तभी तो आग लगी है उधर टैंकर में। आपका कहना है अपने रिकमेंडेशन सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।